यस्माद्वाचो निवृत्ताः सममपि मनसा लक्षणामि क्षमाणाः स्वार्थालाभात् परार्थव्यपगमकथनश्लाघिनो वेदवादाः नित्यानन्दं स्वसंमिन् निरवधि विमलस्वान्तसङ्क्रान्तबिम्बच्छायापत्यापि नित्यं सुखयति यमिनो यत्तदव्यान्महो नः। भगवान श्री शंकराचार्य जी के शब्दों में भगवान श्री पांडुरंग की स्तुति पांडुरंगाष्टकम के माध्यम से हुई है। उसी स्तुति के अंतर्गत चौथे श्लोक के श्रीनिवासम शब्द का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। स्फुरत कौस्तुभालंकृतम कंठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकम श्रीनिवासम शिवम शांतमीड्यम वरम लोकपालम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ये पूरा श्लोक है। श्रीनिवासम भगवान श्री के निवास हैं। तो चर्चा ये चली कि श्री अपना निवास किन शर्तों पर बनाती है। तो एक दूसरा श्लोक मिला, उत्साह संपन्नमदीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञम व्यसनेश्व सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। लक्ष्मी जी ऐसे वातावरण में रहना चाहती हैं जहाँ पर ये गुण दिखाई देते हैं। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्ञम, ये जो तीन शब्द आरंभ के हैं इनको हम लोगों ने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। अब आगे आता है व्यसनेश्व सक्तम, व्यसनेशु असक्तम, व्यसनों में जो असक्त हो माने अनासक्त हो, सक्त ना हो। व्यसन में जो सक्त ना हो तो व्यसन क्या है पहले समझो। व्यसन शब्द वी उपसर्ग पूर्वक सत्तार्थक अस धातु से ल्युट प्रत्यय करके बनता है। वी अस ल्युट व्यसन, ल्युट में से अनुबंध लोप करने के बाद यू बचता है और योर अनाकव सूत्र से अन आदेश हो जाता है। तो वी अ सामने होने से इको यणचि से यण हो जाता है तो शब्द बन जाता है व्यसन। मतलब क्या है वसन शब्द का? तो बताया व्यस्यति श्रेयो मार्गात इति व्यसनम, जो हमें रास्ते से भटका दे। हमारा रास्ता स्वाभाविक रूप से हम अपने कल्याण का रास्ता चुनते हैं और उसी कल्याण के रास्ते पर चलते हैं कि हमारा सर्वविध कल्याण हो। अपने सर्वविध कल्याण के रास्ते पर चलते हुए जो हमें रास्ता भटका दे उसी का नाम है व्यसन। व्यस्यति इति व्यसनम, व्यस्यति माने मार्गात श्यावति भ्रंशयति इति व्यसनम। वैसे कहीं कहीं शास्त्रों में व्यसन का अर्थ विपत्ति भी किया है, व्यसन माने विपत्ति। जैसे महाभारत में प्रयोग किया, पुत्र दारै सुखैश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा मग्नस्य व्यसने कृच्छे धृतिः श्रेयस्करी नृप। हे राजन, जब विपत्ति आ जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए? विपत्ति की सबसे बड़ी दवा क्या है? बताया ही गया है दूसरे नीति श्लोक में, विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदशिवाक् पटुता युधि विक्रमः। इस तरह से नीति के श्लोक में बताया गया है कहाँ कौन सी चीज़ कारगर होती है। तो विपत्ति के समय में धैर्य कारगर होता है, धृति ही
विपदि धैर्यम, विपत्ति आ जाए तो धैर्य धारण करना चाहिए। तो उपदेश में ये कहा जा रहा है कि पुत्र दारैः सुखैश्चैव वियुक्तस्य धनेनवा, जिसके पुत्र उससे अलग हो गए हों, पत्नियां अलग हो गई हों, पुत्र पत्नी अलग हो गए तो बाकी सब परिजन अलग हो ही जाएंगे। सब अलग हो जाते हैं फिर भी अगर रुपया पैसा रहे तो आदमी फिर से कुछ खड़ा कर लेता है, लेकिन धन भी अगर हट जाए अपने पास से, ऐसे समय में आदमी बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है, जब उसका कोई नातेदार रिश्तेदार मित्र इष्ट ना हो और धन भी संपत्ति भी ना हो उसके पास, ऐसे समय में बड़ी मुश्किल में पड़ता है। नीतिकार कहते हैं मग्नस्य व्यसने कृच्छे, कृच्छ कृच्छ माने बहुत कठिन, इसीलिए कृच्छ व्रत होते हैं, कृच्छ्र व्रत का मतलब है कठिन व्रत। तो मग्नस्य व्यसने कृच्छे, जो कृच्छ्र व्यसन में माने कठिन विपत्ति में पड़ गया हो, धृति ही श्रेयस्करी मता, उसके लिए धैर्य ही श्रेयस्कर है, धैर्य धारण करना सबसे बड़ी दवा है। तो यहाँ पर व्यसन शब्द कृच्छ्र विपत्ति के लिए, कठिन विपत्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो व्यसन माने विपत्ति, व्यसन माने जो हमको कल्याण के मार्ग से गिराए, तो कल अपने सही रास्ते पर चला जा रहा है, जब गिरेगा तभी ना विपत्ति में पड़ेगा। अथवा अत्याशक्ति के नाम के लिए भी व्यसन शब्द का प्रयोग आता है, अति आसक्ति हो जाए किसी चीज में, खतरा देख करके भी आदमी खतरे को की उपेक्षा कर दे और किसी एक विशेष वस्तु में लगा रहे, उसका नाम भी व्यसन ही है। कथा सरित सागर में कहानी आई है और उसी के आधार पर नीति बताया है, तन्मुंच व्यसनानित्वं सुखे नहि परैर्नृपाः सीदन्तस्ते सुगृह्यन्ते खाते स्विपिबनद्विपाः। जो जंगल है उसमें जो द्वीप माने हाथी हैं वो बांध लिए जाते हैं, हाथी की ताकत बहुत है और हाथी झुंड में ही जंगल में रहते हैं, एक हाथी नहीं रहता, कई हाथी मिलकर के अपना चलते हैं। तो शक्ति सामर्थ्य से भरे हुए हाथी अकेले भी नहीं, झुंड में चलने वाले हाथी भी बंधन में डाल दिए जाते हैं, कैसे, अत्याशक्ति के कारण, क्योंकि एक हाथी दिखाया जाता है, सारे हाथी उसकी ओर चल देते हैं और बीच में गड्ढा रहता है, उसको सामान्य पत्ती और टहनियों से छाया कर दी जाती है, पता नहीं चलता और बस वो आगे बढ़ता है, वैसे ही गड्ढे में गिर जाता है, बंधन में पड़ जाता है। तो अत्याशक्ति के कारण हाथी जैसा समर्थ पशु भी बंधन में डाल दिया जाता है, इसलिए तन मुंच व्यसनानित्वम, अत्याशक्ति वो छोड़ दो, अत्याशक्ति रखोगे तो तुम भी हाथियों की तरह से बंधन में पड़ोगे, ये तात्पर्य। तो अत्याशक्ति के अर्थ में भी व्यसन शब्द का प्रयोग किया था। अथवा कहीं कहीं शौक के लिए भी व्यसन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, कई लोगों का व्यसन जो है उनका शौक होता है, हॉबी, कि हमारा ये शौक है। भागवत जी में पुरंजनोपाख्यान आया है, पुरंजनोपाख्यान में ये बताया गया है कि पुरंजन जो है वो पुरंजनी के प्रेम पाश में बंध जाता है, और पुरंजनी के प्रेम पाश में बंधा हुआ उसी के साथ रहता है, उसी के साथ खाता, उसी के साथ पीता, उसी के साथ नहाता, एक क्षण के लिए भी उससे दूर होना उसके लिए कठिन होता है। लेकिन वही पुरंजन किसी एक दिन शिकार के लिए चला जाता है वन में, पुरंजनी को छोड़कर। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसका शौक है शिकार का,
तो अपने शौक के लिए एक क्षण के लिए जिसको छोड़ने में कठिनाई होती है उस पुरंजनी को छोड़ करके जंगल में चला जाता है। विहाय जायाम अतदर्हाम मृग व्यसन लालसः। विहाय जायाम, जाया माने पत्नी, अपनी पत्नी को विहाय छोड़कर, अतदर्हाम वो तदरहा नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है वो पत्नी, लेकिन फिर भी छोड़कर, क्यों? मृग व्यसन लालसा, शिकार खेलने का जो व्यसन है, अपने व्यसन को पूरा करने के लिए न छोड़े जाने लायक पत्नी को भी छोड़ करके वो वन में चला जाता है। श्रीधर स्वामी ने इसकी व्याख्या की, व्यसनम भोगा शक्ति ही। व्यसन का मतलब क्या है? भोग आ सकती, भोग में आ सकती। वैसे अमर कोशकार कहते हैं कि व्यसन शब्द है वो पतन के अर्थ में और विपत्ति के अर्थ में होता है। साथ ही साथ कामज और कोपज जो दोष हैं उन अर्थों में भी व्यसन शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यसनम विपदि भ्रंशे दोषे कामज कोपने, विपत्ति के अर्थ में, भ्रंश के अर्थ में और कामज कोपज व्यसन के अर्थ में व्यसन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कामज दोष क्या है और कोपज दोष क्या है? तो 10 तो कामज दोष बताए हैं और 8 कोपज दोष शास्त्रों में बताए हैं। इस तरह से 18 दोष हैं जिनके समूह को व्यसन नाम की संज्ञा दी गई। मृगयाक्षा स्त्रिय पानम वाक् पौरुष्यार्थ दूषणे दंडपारुष्य मित्येतत् गेयम व्यसन सप्तकम्। इसी तरह से कहीं 7 चीज़ों के समूह को व्यसन कहा गया है। हेमचंद्र जी ने उल्लेख किया है कि मृगया अक्ष, मृगया माने शिकार, अक्ष माने जुआ खेलना, स्त्रिया स्त्रियों के संग, पानम माने पीने का शौक, वाक पारुष्य डांटना फटकारना, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात कहना, अर्थ दूषण है अमानत में खयानत करना, दंड पारुष्यम कठोर दंड का, किसी किसी को क्रूरता भर जाती है, तो अधिक क्रूर हो जाते हैं, छोटा दंड देने की जगह पे भी बड़ा दंड देने से उनको अच्छा लगता है। एतद् गेयम व्यसन सप्तकम्, ये 7 तरह के व्यसन लोगों को हो जाते हैं। देवी पुराण कहता है कि ये जो विषयों में परम आसक्ति है, ये परम आसक्ति ही व्यसन है, और ये विषयों में जो हमारी इंद्रियां जाती हैं एक हद तक तो ठीक है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं एक हद तक सब ठीक हैं, ये भी जान लीजिए। विष भी अगर है वो भी एक हद तक दवा है, लेकिन हद से आगे वो नाशक है। इसलिए संसार में जो भी वस्तुएं बनी हैं कोई गलत नहीं है, सब हमारे लिए लाभकारी हैं, लेकिन एक हद तक। अगर हम उसकी सीमा को समझ कर उस सीमा तक ही उस वस्तु का उपभोग करें, उस विषय का रस लें, तो हमें कोई विपत्ति नहीं होगी। जब हम उसको अधिक सेवन करने लग जाते हैं तभी वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। इसीलिए जहाँ ये कहा जाता है विषयान विषवत् त्यज, विषयों को विष की तरह से त्याग दो, वहाँ ये मतलब नहीं है कि अब खाना छोड़ दें, देखना छोड़ दें, आँखें फोड़ लें, कि अब रूप जो है एक विषय है, विषय बंधन का कारण है, इसलिए अब हम देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। विषयों को त्यागो ये उपदेश जब दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अब छोड़ दो, तो अब हम देखेंगे नहीं, आँख फोड़ लेंगे, हम सुनेंगे नहीं, कान फोड़ लेंगे, हम सूंघेंगे नहीं, नाक काट लेंगे, हम स्वाद नहीं लेंगे तो जीभ काट लेंगे, हम त्वचा नहीं तो हम पूरी अपना चमड़ा उधेड़ लेंगे, ऐसा थोड़े हो सकता है। ऐसा करने को कहा भी नहीं जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जितनी आवश्यकता शरीर के पोषण के लिए है, ताकि शरीर तुम्हारा ठीक से बना रहे, स्वस्थ बना रहे, तुम धर्म कार्य कर सको, उतना विष तुम्हारे लिए ठीक है।
अधिक विषय में पड़ जाओगे तो समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए विषयों में अधिक न पढ़ने की बात कही जा रही। देवी पुराण कहता है कि देवा विद्या धरा यक्षा किन्नरो रग मानुषा पशव पक्षिण सर्वे विषये निधनंगता। ये जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय ही सबके निधन का कारण बन जाते हैं। देवा देवताओं के विषय का कारण बन जाते हैं। पतन का कारण क्या है? पुण्य करके स्वर्ग में गए, देवता बन गए, अब वहाँ भोग रहे हैं, तो जितना ज़्यादा भोगेंगे उतनी जल्दी गिरने का रास्ता हो जाएगा। और धीरे धीरे भोगें तो खर्च कम, धीरे धीरे करें तो बन जाएगा। देवता हों, विद्याधर हों, यक्ष हों, किन्नर हों, उरग हों, उरग माने सर्प जाति प्रजाति में हों, मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों, सब विषयों के कारण ही, अति विषय सेवन के कारण ही पतन की तरफ जाते हैं। इसलिए ये पतन का कारण है अति विषयोन्मुखता। इसलिए जो वस्तु हमारे को पतन के रास्ते पर ले जा रही हो वही व्यसन है। व्यस्यति इति व्यसनम श्रेयो मार्गाच्यावति, जो हमको श्रेयो मार्ग से गिरा दे उसी का नाम है व्यसन। इसी को सामान्य शब्दावली में लत कहते हैं, बुरी आदत। लत पड़ जाए किसी चीज़ की तो उसी का नाम है व्यसन। ये क्यों हो जाता है? कहते हैं कि ये दो तीन कारणों से होता है। पहला कारण तो ये कि व्यक्ति के मन में उत्सुकता आ जाती है। जब वो किसी को देखता है सिगरेट फूंकते हुए, तो कई लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि ये लोग इतना जेब में रखे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया पैकेट है, इतना बढ़िया सफ़ेद कप उसमें बना हुआ है, और ये इतने सारे लोग अगर फूंक रहे हैं तो ज़रूर इसमें भी कुछ होगा, तो मैं भी ज़रा देख लूँ कि इसमें क्या खासियत है। उत्सुकता, कोई खाई नहीं रगड़ रहे हैं। अब किसी बच्चे ने देखा कि बार बार खाई नहीं, कुछ तो इसमें होगा, तो एक दिन कहा चुनौती ले आओ बेटा, तो चुनौती लाने के लिए गया और वहीं खोल करके थोड़ा सा चूना थोड़ा सा तम्बाकू निकाल लिया, चुनौती दे दिया और पिछवाड़े जाके रगड़ रहा, ये देखने के लिए कि क्या है ये, जिसको हमारे पिता हमारे चाचा हमारे नाना हमारे काका बार बार खा रहे हैं, जरूर इसमें कुछ खास बात हो। इसी तरह से दूसरे नशे हैं तो उनके प्रति उत्सुकता हो जाती है, और उस उत्सुकता के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति हमारी उसमें शुरू होती है, और प्रवृत्ति शुरू होने के बाद प्रकृति अगर उसी तरह की हुई तो फिर बढ़ जाता है आदमी। अगर प्रवृत्ति नहीं हुई अंदर से, कुछ भगवान का वो रहा, तो फिर उत्सुकता के मिटाने के बाद फिर वापस आ जाता है कि अरे ये बेकार है, क्योंकि पहली बार कोई भी नशा अच्छा नहीं लगता। भगवान ने उसमें भी ये व्यवस्था रखी है कि पहली बार वो अच्छा नहीं लगता है, वो तो कई बार करने पर फिर उसकी लत पड़ती। कभी कभी ऐसा नहीं होता, संगत के कारण हो जाता है। आप नहीं चाहते हैं, आपके मन में देखा है आपने उत्सुकता हुई, लेकिन तब तक आपको किसी ने बता दिया कि ये सब ठीक नहीं है, करते जरूर हैं लोग लेकिन सही नहीं, तो आपका मन हट गया। लेकिन अपने मित्रों में आप गए तो मित्रों ने कहा अरे ले, तो आप कैसे इनकार करेंगे मित्रों का प्रस्ताव? अगर आप इनकार कर भी देते हैं तो मित्र दबाव डालेगा अपने प्रेम का कि अरे भाई ले, मैं दे रहा हूँ। अगर आपने उसके प्रेम पूर्वक किए गए प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया तो फिर वो आपके ऊपर दूसरी तरह का दबाव डालेगा, अरे तेरे तू क्या करेगा, तेरे में क्या सामर्थ्य है, ये मर्दों का काम है, यस जिगर रखने वालों का काम है, ये कमजोर दिल वाले ये सब नहीं कर सकते। जब ये
आप सुनेंगे तो आप अपने आप को कमजोर दिल वाला कैसे मानेंगे, आप तो अपने आप को सामर्थ्यशाली मानते हैं। तो अपने को सामर्थ्य वाला सिद्ध करने के लिए आप कहेंगे ला अभी अभी पी के दिखाता हूँ, तो आप सिगरेट ले लेंगे, पीने लगेंगे। और अपने को सामर्थ्यशाली दिखाने के लिए एक बार दो बार चार बार जहाँ पिया तहाँ फिर उसकी चस्का शुरू हो गया, फिर आप उसकी लत में चले गए। कभी कभी ये हो जाता है, कहीं कहीं परंपरा ही है, घर के सभी लोग जो चीज़ कर रहे हैं तो भाई एक जो नया बच्चा आएगा वो भी उसी को शुरू कर ले। इस तरह से अनेक कारण हो जाते हैं जिन कारणों से लोग बुरी आदत या लत पाल लेते हैं। कभी कभी कुछ तथाकथित साधुओं को जो साधु का वेश धारण किए हैं उनको नशा करते देखते हैं, कोई भांग घोंट रहा है तो कोई गांजा चिलम चढ़ाए हुए है, कहीं कहीं कुछ और भी है। तो ये देख करके लोग सोचते हैं कि जब इतने उत्तम पुरुषों के द्वारा ये वस्तु गृहित की जा रही है तो हमारे लिए तो प्रसाद ही है, उस कारण से भी चले जाते हैं। तो अनेक कारण हो जाते हैं जिसके कारण हमको। और दूसरी बात, हम लोगों ने भी पूछा, कई लोगों से पूछा कि भाई तुम क्यों ये बुरी लत पकड़ ली है, क्यों शराब पीने लगे हो, क्यों शराबी हो गए, क्यों सिगरेटी हो गए हो। तो लोग कहते हैं कि महाराज इससे बड़ा आनंद आता है। क्या आनंद आता है? का जिस समय हम इसको पी लेते हैं उस समय हमको लगता है कि हमसे बढ़ करके दूसरा कोई नहीं, हमारा आत्मविश्वास, हमारे शरीर की हमारे मन की जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ जाता है। अब हमने कर्ज ले रखा है और हर समय मन में लगता है कि अभी कर्ज मांगने वाला साहूकार आ ना जाए, बहुत छोटापन लगता है, दिन भर इसमें परेशान रहते हैं कि क्या होगा जब अमुक आ जाएगा, क्या होगा जब अमुक आ जाए, कहीं ऊँचे ना बोलने लगे, कहीं घर के दरवाजे के बाहर चिल्लाने ना लगे, मोहल्ला ना जान जाए कि हम कर्ज वाले हैं, कहीं मारपीट ना करने लगे, कहीं घर का सामान न ले जाने लगे, धक धक लगा रहता है महाराज। तो क्या करते हैं, अब दिन भर तो काम काज किए उसमें धक धक किए, शाम को सोचते हैं कि कम से कम रात तो ठीक बीचे, तो फिर बोतल खरीद के घर में ले जाते हैं, पी लेते हैं। अगर उस समय मांगने वाला आ जाए तो हम उसी को कर्जदार सिद्ध करके वापस भेज देंगे, इतना आत्मविश्वास हमारा बढ़ा रहता है कि कौन है मेरे सामने। ये जो परिस्थिति आती है, अथवा जो दुख है उसको भुलाने के लिए, क्योंकि जिस समय हम नशे में होते हैं उस समय हमारा दुख हमसे भूल जाता है, तो या तो अपने दुख को अपने गम को गलत करने के लिए, दुख को भुलाने के लिए, अथवा एक आभासी ऊर्जा का अनुभव करने के लिए हम नशा करते हैं। तो अब नशा तो ऐसा है कि थोड़ी देर का है, उतनी देर आपने ऊर्जा का अनुभव कर भी लिया तो आगे क्या होगा, जब नशा उतरेगा उस समय तो फिर उसी दशा में आप पड़ जाओगे। तो ये एक टेम्परेरी उपाय है, टेम्परेरी उपाय अच्छा नहीं माना जाता है। अगर सचमुच का उपाय कोई करे तो अच्छी बात है, टेम्परेरी उपाय से क्या होगा कि आपका ही पतन हो जाएगा। इसलिए नशे से उबरने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, इससे आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके परिवार पर, आपके आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो आपको क्रोध आ जाता है और फिर आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। घर में बच्चे की फीस देने के लिए आपकी पत्नी ने कुछ पैसे रखे हैं, फीस देना ज़रूरी है नहीं तो बच्चे का नाम कट जाएगा, लेकिन आप पैसे को देख लेते हैं और तुरंत अपने नशे के लिए उस पैसे का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपकी प्राथमिकता बच्चे की फीस होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता बदल गई, नशा आपकी प्राथमिकता बन गया। कोई काम आया है उस काम को छोड़ देंगे आप नशे के लिए, ये सब समस्या उत्पन्न होती है। और इसी समस्या से क्या होता है कि व्यस्यति इति व्यसनम,
आपको आपका मार्ग छुड़ा देता है ये व्यसन। तो व्यसन से हानि क्या है? हानि यही है कि हर स्तर पर उसका प्रभाव आपको पड़ जाता है और सब जगह आपको ये डिरेल करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब करवा देता है। इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास ही करना चाहिए। कहते हैं कि छोड़ने के लिए सबसे अच्छी बात यही है, बहुत सारे उपाय दूसरे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रबल इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति से ही अगर आप व्यसन में पड़ गए हैं तो निकल सकते हैं, अन्यथा निकलना बहुत इच्छा है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम इच्छा तो करते हैं, लेकिन जब नशा बंद करने का सोचते हैं वैसे ही नशे की और इच्छा जाग जाती है, प्रबल इच्छा हो जाती है। पहले तो कमज़ोर रहती है, लेकिन छोड़ना चाहते हैं, जैसे एकादशी के दिन ज़्यादा भूख आपको लगती है, वैसे ही नशा छोड़ने वाले को ज़्यादा ही नशे की याद आने लगती है। या कुछ लोग कहते हैं कि हम जब छोड़ते हैं तो हमको शरीर में समस्या उत्पन्न होने लगती है, हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। ये सब है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। आजकल तरीका निकाला है, कहते हैं कि जहाँ पर नशा छुड़ाने के लिए नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो पहले तो वो आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं अपनी प्रेरणादायक वाक्यों के द्वारा और दूसरे माध्यमों से, और फिर आपके शरीर से जो विषाणु विषाक्त पदार्थ हैं आपके शरीर में उनको बाहर करने का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो विषाक्त पदार्थ और विषाक्त पदार्थ को मांगते हैं। तो जब आपका शरीर निराविषीकरण हो जाता है तो सात्विकता का जैसे ही उदय हुआ तब फिर नशे की जरूरत आपको नहीं पड़ती। इसलिए दो तरह के व्यसन हैं, एक पदार्थ व्यसन है और एक व्यवहारिक व्यसन है। पदार्थ व्यसन क्या है? माने किसी पदार्थ का सेवन करना, जैसे शराब है, जैसे तंबाकू है, गांजा है, सिगरेट है, ड्रग्स हैं, ये सब पदार्थ व्यसन है। और व्यवहारिक व्यसन क्या है? सट्टेबाजी खेलना, जुआ खेलना, उसके लिए भी लोग परेशान रहते हैं, इंटरनेट ही पर लत लग जाना कि अब हम हर समय इंटरनेट देखेंगे। कई लोगों को फेसबुक का नशा है, कई लोगों को यूट्यूब का नशा है, तरह तरह की फिल्मों के देखने का नशा किसी को हो जाता है कि बस वो फिल्में ही देखते रहते हैं। ये जो नशे हैं ये खराब है, इनको व्यवहारिक नशा कहते हैं। ये कई चीज़ों में दिखाई देते हैं। कई लोगों को भोजन ही का नशा है कि उनको भोजन करना है, भोजन करना है। ऐसे क्लब खुल गए हैं जहाँ पे भोजन के नशे वाले लोग इकट्ठा होते हैं और वो तरह तरह का भोजन करते हैं, जब पेट भर जाता है तो खाया नहीं जाता, तो फिर जा करके उंगली डाल करके गले में सारा भोजन पलट देते हैं, पेट फिर खाली हो जाता है, पेट खाली होके फिर आके फिर भोजन करना शुरू कर देते हैं, फिर जब पेट भरता है तो फिर जाके उलट देते हैं, फिर आके भोजन करते हैं। अब नशा ही है, माने स्वाद उनको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद का आनंद लेना है, पेट का भरना, शरीर को पोषण देना, ये उनके लिए पीछे है, स्वाद के प्रति वो अत्यधिक आग्रही हो गए हैं। तो ये जो नशा है ये आपको आपके रास्ते से भटकाता है, आपके कल्याण के मार्ग को धुंधला करता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। इसीलिए व्यसनेषु असक्तम, जो व्यसन में असक्त होगा, आसक्त नहीं असक्त, वो लक्ष्मी जी का घर होगा। व्यसन में असक्त व्यक्ति, व्यसनासक्त लक्ष्मी का घर नहीं होगा। कहते हैं कि व्यसन भी वही रेशियो समझ लीजिए कि पूरी तरह से खराब नहीं, एक अगर अच्छी कामों में व्यसन हो जाए तो अच्छा ही। इसीलिए व्यसन के बारे में दो शब्द चलते हैं, एक व्यसन और दूसरा दुर्व्यसन। तो दुर्व्यसन ये सब बताए अभी हम, लेकिन अगर अच्छा व्यसन हो, शुभ व्यसन हो तो अच्छा है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जब सनकादि का वर्णन कर रहे हैं तो कहते क्या हैं
आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो ही तहाँ सुनहीं। आशा वसन है वो सनकादि जो चार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये चारों आशा व्यसन हैं। माने आशा माने दिशा और वसन माने वस्त्र, दिशा के कपड़े पहने रहते हैं। माने हमने कपड़े जो पहने हैं तो इधर पहने हैं, इधर पहने हैं, इधर पहने हैं, इधर पहने हैं, चारों तरफ से शरीर को लपेटा है ना, तो वो कहते हैं कि तुमने ये कपड़ा लपेटा है, हमने दिशाओं को ही वस्त्र बना लिया। इधर से उत्तर दिशा को लपेटा है, इधर से पूर्व दिशा को लपेटा है, इधर से दक्षिण की दिशा को लपेटा है, हर दिशा से कुछ दिशाएँ लिपटी हुई हैं, तो हम भी वस्त्र पहने हुए हैं। इसलिए जो नंगे हैं वो कहते हैं हम नंगे नहीं हैं, हम दिगंबर हैं, दिशाओं का अंबर माने वस्त्र हमने पहन रखा है। ऐसा नहीं है कि हम बिना कपड़े के हैं। जो दिशाओं के अंबर को पहनता है वो नंगा नहीं कहा जा सकता, वो दिगंबर है। तो ऐसे जैन साधु आजकल विशेष रूप से हमारे यहाँ भी नागा लोग हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं, वो नग्न नहीं कहलाते हैं। तो कोई उनको नग्न कहने की भूल न करे, वो दिगंबर हैं, दिशाओं का अंबर उन्होंने पहन रखा है। तो आशा वसन और व्यसन यह ती नहीं, उनको व्यसन भी है। तब आप घबरा जाएंगे कि साहब ये तो व्यसन है, ये तो लत बुरी लत वाले हैं। तो लत तो है उनको, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी लत है। अच्छी लत क्या है कि जहाँ पर वो भगवान का चरित्र होता है वहाँ जाके सुनते हैं, तो उनको अच्छी बात सुनने का व्यसन है। कुछ लोगों को अच्छी बात सुनने का व्यसन हो जाए, अच्छी बात है। कुछ लोगों को अच्छा काम करने का व्यसन हो जाए, अच्छी बात है। कुछ लोगों को अच्छा पढ़ने का व्यसन हो जाता है, शास्त्र व्यसनी, शास्त्रों का जिनको व्यसन होता है उनको वही लोग विद्वान बनते हैं। तो शास्त्र व्यसनी होना ये खराब नहीं है। इसलिए अगर व्यसन आपको अनिवार्य है, आपका मन होता है कि मैं भी कुछ नशा पाल लूँ, तो शास्त्रों के पढ़ने का नशा पाल लो, भगवान के नाम के संकीर्तन का नशा पाल लो, कथा सुनने का, प्रवचन सुनने का, सत्संग करने का नशा पाल लो, ये सब नशे आपको ऊपर उठा देंगे, नीचे नहीं गिराएंगे। व्यसने स्वशक्तम माने व्यसन में जो अशक्त हो, व्यसन ठीक नहीं है। आप बताइए कि जब कोई व्यसन करता है तो उसकी कई चीज़ें दांव पे लग जाती हैं। सबसे पहले तो उसका धन दांव पे लगता है, क्योंकि वो ना जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसी वस्तु को खरीदने लग जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत ये नशे की चीज़ें नहीं आती, तो आपकी आवश्यकता है नहीं, फिर भी आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसका उपभोग कर रहे हैं। तो अनावश्यक वस्तु के लिए खर्च करना, इससे आपका धन खतरे में पड़ता है पहले, और स्वास्थ्य भी खराब होता है, लीवर खराब होने लगता है शराब पीने वाले का, फेफड़ा खराब होने लगता है सिगरेट पीने वाले का, ये सब होता है ना। तो आपका धन, आपका तन और आपका मन, मनोदशा भी आपकी बिगड़ने लगती है। अब आप में वो आत्मविश्वास नहीं रहा जो पहले रहता था, अब जो फर्जी आत्मविश्वास आप पाते भी हैं वो भी नशे के समय मिलता है, नशा उतरते ही वो भी खराब हो जाता है। तो आपका धन, आपका तन और आपका मन ये दांव पर लग जाते हैं। इतना ही नहीं, केवल आप पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, आपके घर परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। घर में मार पिटाई झगड़े होने लगता है, और परिवार का आपसी प्रेम खत्म हो जाता है, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, लोग आपको नशेड़ी समझने लगते हैं, आपके प्रति वो भरोसा नहीं करते जो पहले करते। यही नहीं, समाज में भी आपकी जो छवि है वो अनैतिक बन जाती है, समाज के लोग भी आपके ऊपर भरोसा करना कम कर देते हैं कि अरे नशेड़ी है भैया, उससे बच के रहना, उसका भरोसा मत करना, क्योंकि नशा जब उसके ऊपर छाएगा तो फिर वो कुछ नहीं देखेगा, उसकी प्राथमिकता केवल नशा होगी।
तो ऐसी स्थिति में आप का सब कुछ, तन मन धन परिवार और समाज बिगड़ जाता है, और इसके साथ ही साथ आपका और पतन तब होता है जब अपराध आपसे होने लग जाते हैं नशे की दशा में। 90% से अधिक अपराध नशे की हालत में होते हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं और भी अपराध होते हैं वो अधिकतर नशे की हालत में होते हैं। इसलिए आपकी छवि इससे ख़राब हो जाती है, तन मन धन खराब हो जाता है, परिवार में अशांति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसको छोड़ देना ही सही है। और अगर लक्ष्मी चाहते हैं तब तो व्यसन में आसक्त होना पड़ेगा आपको। इसीलिए गुरु जी ने इंग्लाज सेना के माध्यम से पूरे देश में नशा मुक्ति का अभियान चला रखे, नशे की लत छोड़ो बलवान, ये उनका ध्येय वाक्य है जो कनू भाई गाते हैं। लक्ष्मी मणि शास्त्री जी इंग्लाज सेना की प्रमुख के रूप में पूरे देश में गुरु जी के इस संदेश को अपने लोगों की ओर से पहुंचा रही हैं। तो व्यसन में आसक्त होना बहुत आवश्यक है अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अपने घर में करनी है तो। व्यसन छोड़िए, व्यसने स्वसक्तम और शूरम, शूर भी होना पड़ेगा। तो शूर क्या है? शूर धातु है, शूर विक्रांतव, उसी से अच प्रत्यय करने से शूर शब्द बनता है। जैसे वीर शब्द बनता है ना, वीर विक्रांतव भी धातु है, पराक्रम दिखाने के अर्थ में शूर धातु वीर धातु, शूर विक्रांतव वीर विक्रांतव, उससे अच प्रत्यय करेंगे तो शूर और वीर बनता है। ये जो शूर वीर, अमर कोशकार कहते हैं शूरो वीरश्च विक्रांतव, विक्रांति पराक्रम दिखाने के अर्थ में शूर और वीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं शूर का अलग प्रयोग होता है, कहीं कहीं शूर और वीर दोनों का प्रयोग होता है। तो शूर वो है, शूर और वीर में अंतर क्या है? दोनों पराक्रम दिखाने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन बहुधा शूर और वीर दोनों एक साथ बोला जाता है कि बड़े शूर वीर हैं। अगर कहीं केवल शूर शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ वीर शब्द समझ लिया जाता है, मिला करके पढ़ लिया जाता है। तो क्यों शूर वीर एक साथ क्यों रहते हैं? शूर का मतलब है पराक्रम दिखाने वाला, बहुत पराक्रम इन्होंने दिखाया लेकिन हार गए, बहुत अच्छा खेला लेकिन हार गए, ऐसा होता है ना। तो उनके पराक्रम की प्रशंसा तो की जाती है जो लोग युद्ध में अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंततः हारने का दुख भी साथ में रहता है, वो पराक्रम दिखा के भी प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर पाते। और वीर, वीर वो है जो पराक्रम दिखाते हुए विजय प्राप्त करे। इसलिए शूर और वीर दोनों शब्दों को साथ रखा जाता है कि शूर का मतलब पराक्रम दिखाने वाला और वीर का मतलब विजय प्राप्त करने वाला। तो पराक्रम दिखा करके विजय, तो शूर शब्द का मतलब यह है, वीर शब्द उसी में मिला लेना है। तो शूर माने शूर वीर, तो शूर वीर भी होना। शूर वीर का मतलब क्या है? जो वीर होता है, शूर होता है, वो पराक्रम दिखाता है, साहस करता है और अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देता है। मेरे प्राण भी चले जाएं तब भी मुझे विजय मिलनी चाहिए, इतनी गहराई से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलता है। ऐसे ही आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज के लिए उसी शूरवीर की तरह से लग जाइए, अपना सब सर्वस्व झोंक दीजिए। अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो मेरा जो होगा उसकी परवाह मत करिए, आप पढ़ना शुरू करिए और पढ़ने में ही आप सब कौशल दिखाइए कि मैं कैसे पढ़ सकता। जैसे लड़ने वाला
जिस समय लड़ाई करता है युद्ध के क्षेत्र में, उस समय बाकी कुछ याद रहता है उसको? उसको न घर याद, न परिवार याद, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी कुछ स्मरण नहीं रहता है। बस केवल पैंतरेबाजी, कैसे मार दूँ अपने को बचाए रखते हुए, यही ध्यान रखता है। उसी तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एक योद्धा की तरह जो लग गया, उसके घर में लक्ष्मी जरूर आएंगी। तो आपको अपने आप को समर्पित करना होगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। शूरम और कृतज्ञम, कृतज्ञ भी होना चाहिए। कृतम परोपकारम कृतोपकारम जानाति इति कृतज्ञः, जो कृत को आपके प्रति किसी ने अच्छा किया है, उपकार किया है, तो उसका आप स्मरण रखें, इसी का नाम है कृतज्ञ। कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। दो शब्द हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतम जानाति इति कृतज्ञः और कृतम घ्नति हन्ति इति कृतघ्नः, जो किए हुए को भूल जाए वो कृतघ्न, और जो किए हुए को याद रखे वो कृतज्ञ। कहते हैं, उपकारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारिषु यः साधु ससाधुरिति उच्यते। जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, उसके प्रति हमने अगर अच्छा किया, जैसा कि कृतज्ञ करता है कोई भी कृतज्ञ, वो तो अच्छा ही, लेकिन हम तो वहाँ तक जाना चाहते हैं, हमारी कक्षा उससे भी ऊंची है, हम कृतज्ञ से भी ऊंचे होना चाहते हैं। कृतज्ञ जिसने हमारे लिए अच्छा किया, हम उसके लिए अच्छा करते हैं, भूलते नहीं हैं उसके किए हुए को, ज़रूरत पड़ने पे हम भी उसका अच्छा करते हैं, ये कृतज्ञ हो गया। और यहाँ भारतीय संस्कृति कहती है अपकारिषु यः साधु, अरे किए हुए जिसने आपके लिए उपकार किया उसी के लिए आपने कुछ किया तो क्या किया, जिसने आपके लिए उपकार नहीं किया उसके लिए भी अच्छा करिए, तब हम ससाधु रीति उच्यते, वो साधु कहा जाता है जो अपकारी के प्रति भी अच्छा प्रदर्शन करता है। हम तो कृतज्ञ से भी ऊपर होना चाहते हैं, लेकिन कम से कम कृतज्ञ तो रहें। भारत के लोग कृतज्ञ रहते थे, इसीलिए क्यों, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्न की निष्कृति नहीं है। निष्कृति माने उद्धार, सब पापों से आप बच सकते हैं, प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतम कार्यम जानाति, जो दार्शनिक लोग हैं वो कहते हैं कृतज्ञ का मतलब ये भी है, कृत जो किया गया है उसी का नाम है कृत, भूतकाल के अर्थ में त प्रत्यय है कृत धातु से, तो कृत का मतलब जो किया गया है। तो किया क्या गया है, सबसे बड़ी कृति कृत यही संसार है, ये बना हुआ है, इसको जो जाने वो कृतज्ञ है। दार्शनिक अर्थ ला दिया कि संसार की वास्तविकता को जो जानता है वो कृतज्ञ है। कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञः, अथवा कृतम जगत जानाति इति कृतज्ञः। और कुछ लोग भक्त लोग हैं वो कहते हैं भैया हम तो संसार को जानते नहीं और किसी और को भी जानते नहीं, कौन हमारे प्रति उपकार करेगा, किसकी गरज पड़ी है, ये तो भगवान है जो प्रेरणा देता है कि कर उसके लिए, तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के कोई करता है, ये तो कैरियर है, जो उपकार करते हैं हमारे ऊपर भगवान करते हैं। इसलिए कृतज्ञ कौन का, मैं नहीं, मेरे भगवान कृतज्ञ हैं। इसलिए विष्णु सहस्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम कृतज्ञ हो गया। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति, महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनीपति, ये सब भगवान विष्णु के नाम हैं। तो कृतज्ञ माने भगवान, जो कृतम जानाति इति कृतज्ञः, कृतम संसारम जानाति इति कृतज्ञः, तो संसार को हम जानते हैं, जान सकते हैं, वो भगवान ही जानेगा। और हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उसको जानते हैं कि इसने हमारे लिए इतना किया है,
इसने मेरे इतने बार नाम मेरे उच्चारण किए हैं। हम जानते हैं क्या, अगर यहीं पे 200 लोग आ जाएं, ज़्यादा नहीं 200, तो कौन क्या कर रहा है सब हमने याद नहीं रख पाएंगे। कुछ कुछ लोगों का याद रहेगा कि वो आया था तो उसने केला रखा था, उसने ये किया था, उसने नमस्ते किया था, उसने नहीं किया था, कुछ लोगों का याद रहेगा। लेकिन 200 लोगों ने क्या क्या किया, सब ने, सबकी खतौनी अगर हमको करनी पड़ जाए कि सबका खाता लिखो कि किसने क्या किया, तो हम कर पाएंगे? और भगवान कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे निमित्त से कर रहा है, सब एकदम दर्ज रखते हैं। क्यों दर्ज रखते हैं? क्योंकि जिसने जो किया है उसका फल भी देना है उनको, उसका परिणाम भी देना है ना। इसलिए एक एक व्यक्ति के द्वारा किए गए एक एक कार्यों का लेखा जोखा उनके पास रहता है, इसलिए वो कृतज्ञ हैं। कृतम जानाति अस्माभिः भक्तैः कृतम भक्ति कार्यम नामस्मरणादिकम पूजनादिकम सर्वम जानाति असौ कृतज्ञः। तो कृतज्ञ कौन है? भगवान। और भगवान के यहाँ तो लक्ष्मी रहेगी, तो इसलिए भगवान का जो गुण है उस भगवदीय गुण को आप धारण करिए तो आपके घर में भी लक्ष्मी आएगी। क्योंकि भगवान क्या है? गुणों के पुंज हैं। तो आपके घर में, आपके में भी वो गुण होगा तो ऐसा हो जाएगा। भारत कृतज्ञ सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो झांसी की रानी के बारे में कविता लिखी, दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है बड़ी आकर्षक है। इस कविता का जो अंतिम पद है उसमें सुभद्रा कुमारी क्या कह रही है? जाओ रानी याद रखेंगे, हे रानी तुम्हारा तो परम धाम का पदार्पण हो रहा है, जाओ जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। सुभद्रा कुमारी चौहान को कितना भरोसा है भारतवासियों पर कि भारत में कोई कृतज्ञ नहीं है, इसलिए पूरे भारतवासियों की तरफ से वो बोल रही है कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। भारत में कोई कृतज्ञ नहीं होता है, कोई अगर होगा तो वो भारत का है ही नहीं, हम मान ही नहीं सकते उसको भारत का वासी जो कृतज्ञ हो, हम कृतज्ञ को स्वीकार नहीं करते, ये भारत की संस्कृति। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। आपका जो बलिदान है लोगों में स्वतंत्रता की भावना का विकास करे। होवे चुप इतिहास, अगर इतिहास के लोग चुप हो जाएं, ना कहना चाहें तुम्हारे, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, ये जो तथ्य है सत्य है इसको फांसी भले लग जाए, हो मदमाती विजय मिटा दें गोलों से चाहे झांसी। भले आज के बाद तुम्हारे चले जाने के बाद गोरे अंग्रेज गोले दाग दाग करके झांसी को मिटा दें, तब भी तेरा स्मारक तू ही होगी, तुझे स्मरण कराने वाला दूसरा कोई नहीं है, तू तेरे जो गुणगण हैं वही तेरा स्मारक है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तू तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता तो हमने प्रसंग वश सुना दी, कहने का इसमें यही तात्पर्य है कि सुभद्रा कुमारी चौहान भारतवासियों को कृतज्ञ के रूप में बड़े आत्मविश्वास से निरूपित कर रही हैं। तो हम कृतज्ञ संस्कृति वाले लोग हैं, हमारे लिए जो थोड़ा भी करता है हम उसके लिए क्या ना कर दें, यही भावना रखते हैं, और ये भावना हमको भगवान से मिली। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, और कुछ नहीं तो केवल जल, जो भारत में पहले बिका नहीं करता था। आजकल तो पानी भी कीमत वाला हो गया, पहले तो पानी की कोई कीमत नहीं होती थी, पानी ऐसी चीज़ थी जिसकी कीमत लगाना ठीक नहीं लगता था लोगों, अब तो पानी भी बिक रहा है, अब तो हवा भी बिक रही है, आगे पता नहीं क्या क्या बिकेगा, सब कुछ बिकाऊ हो रहा है, माने पूरा समाज मार्केट हो रहा है, खरीदा बेचा जाएगा, यहाँ पर प्रेम खरीदा जाएगा, प्रेम बेचा जाएगा, बेचा जा रहा है,
आप अगर प्रेम पाना चाहते हैं तो लोग प्रेम देने के लिए तैयार हैं, आप पैसा दीजिए, आपको पुरुष स्त्री सब मिल जाएंगे प्रेम देने के लिए, आकर के बड़े प्रेम से आपसे बात करेंगे। माने प्रेम भी खरीदा बेचा जा रहा है। आगे श्रद्धा भावना ये सब भी क्या पता किस दिन दांव पे चढ़ जाएं, बिकने लग जाएं। तो ऐसी परिस्थिति हो रही है कि जो घर था, जो परिवार था, जो समाज था, अब वो केवल केवल बाजार हो गया है। तो बाजार संस्कृति जहाँ पर आ गई वहाँ क्या कृतज्ञता है, वहाँ तो लेन देन है, कीमत है सब चीज़ की, इतना कीमत दो इतना लो, वहाँ कृतज्ञता का क्या काम है। हमारे यहाँ तो कृतज्ञता है कि देने वाला नोट नहीं करता कि मैंने क्या दिया, लेने वाला नोट करता है कि मैंने इससे क्या लिया है, दे करके भूल जाते हैं यहाँ तो लोग। आप गए किसी का कन्या का विवाह है तो आपके कुछ आपने दिया लिफाफे में रख कर, आपने तो दे दिया, आपने अपने घर में शायद ही कोई लिखता हो लेकिन उसने लिख लिया कि इनकी तरफ से इतना आया था। अब वो जब आपके घर में प्रतीक्षा करेगा कि जब इनके घर में कोई ऐसा प्रयोजन हो तो हम भी इन्होंने जो दिया था उसमें कुछ मिला के ले जाके दें। नहीं, ये अपनी संस्कृति है, यहाँ देने वाला नहीं लिखता हिसाब, यहाँ पाने वाला हिसाब लिखे रहता है कि कब मैं इसमें कुछ मिला के चुका दूँ। ये कृतज्ञ संस्कृति, शूरम कृतज्ञम। कृतज्ञ और कृतघ्न के बारे में एक कहानी है और वो कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि बिहार में एक वैशाली नाम का राज्य, वहाँ पर एक नंद नाम का राजा था जिसकी पत्नी का नाम था भानुमती, बड़ी सुंदरी थी, और उनका जो मंत्री था वो बड़ा बहुत बुद्धिमान विद्वान, कई लोग कालिदास से जोड़ देते हैं इस कहानी को, उसका नाम था शारदानंद। भगवती सरस्वती का बड़ा भक्त था शारदा देवी का, तो शारदानंद नाम भी था। और किसी प्रसंग में राजा गुस्सा हो गए क्योंकि वो भगवती सरस्वती की कृपा से जो देखा जो नहीं देखा सब वर्णन कर देता था। तो एक दिन राजा ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जो तुमने नहीं देखा वो भी बता सकते। कहाँ राजन, भगवती सरस्वती की कृपा से मैं बता सकता हूँ। कहा अच्छा बताओ, हमारी जो पत्नी है भानुमती उसके शरीर में कहाँ कहाँ तिल हैं, ये बताओ। तो उन्होंने आँख बंद किया, भगवती सरस्वती का स्मरण किया और बताने लगे कि एक जो है माथे पर है, एक गले में है, ऐसा बताते बताते एक जांघ में भी तिल था उसको भी बता दिया कि उसकी जांघ में एक तिल है। राजा के ये सुनते ही मन में शंका आ गई कि ये कैसे हो सकता है, कोई किसी महारानी के जांघ के तिल को कैसे बता सकता है, जरूर इसका कुछ संबंध है उससे। तो मन में पाप आ गया, अपने विद्वान मंत्री को देश निकाला कर दिया, ये कथा है। और बाद में कथा आती है कि जो उनका बेटा था जयपाल राजकुमार, वो राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया और घोड़ा बिगड़ गया और घोड़े ने सेना से अलग रास्ता पकड़ लिया और घने जंगल में ले जा करके एक पेड़ के नीचे थक करके खड़ा हो गया। सेना तो छूट गई, राजा का बेटा जयपाल अकेला हो गया और उसने घोड़े को छोड़ा, उतर करके विश्राम करने लगा। इतने में एक बाघ आ गया। अब वो जो गुर्राहट सुनी बाघ की तो घोड़ा तो भागा, अकेला भाग गया। अब राजा का बेटा जयपाल अकेला रह गया। उसने सोचा अब कैसे प्राण बचाएं, तो पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन जैसे ही पेड़ के कुछ ऊपर चढ़ा, वैसे ही ऊपर देखा तो एक बड़ा भालू पेड़ पे पहले से चढ़ा हुआ था। अब नीचे बाघ है और ऊपर भालू है, करे तो क्या करे, परेशान होने लगा, मृत्यु मेरे निकट आ गई ऐसा उसको लगने लगा। लेकिन भालू ने कहा कि राजन डरो मत, मैं संकट में पड़े व्यक्ति को नहीं मारता हूँ, ये नियम है कि जो पराक्रमी होता है वो पराक्रम से अपना काम करता है,
संकट में घिरा हुआ कोई व्यक्ति हो उसके ऊपर हम जोर आजमाइश नहीं करते। आप संकट में हैं इसलिए जब आपके पास तलवार होगी, जब आपके पास लड़ने की इच्छा होगी, आप हमारे सामने लड़ने के लिए आएंगे, उस समय हम आपके ऊपर झपट्टा मारेंगे और अपने पराक्रम से आपको चीर फाड़ के खा जाएंगे, लेकिन संकट में पड़े हुए को नहीं खाते। आप चिंता मत करिए, आप ऊपर आ जाइए। क्या करें, ऐसा आश्वासन का वचन सुन करके कुछ शांति मिली, कहा अच्छा ठीक है, तो दोनों की दोस्ती हो गई थोड़ी देर में। अब रात आगे बढ़ी, शाम हो गई, रात हो गई, बाघ नीचे ही बैठा था जीभ लपलपाते हुए, उसको जब देखें तो डर सहर जाए कि अब ये फाड़ेगा हमको। फिर रात हुई, राजा का बेटा थका भी था, भूखा भी था और रोज समय से सो जाने की आदत भी थी, तो नींद आने लगी। कहा भाई भालू, हमको तो नींद आ रही है, अब क्या करें, हम कैसे जागें, हमको तो ये पेड़ की डाली पकड़ के बैठने का अभ्यास नहीं है, अगर कहीं नींद आई और हमारे हाथ से ये छूट गया, डाली छूट गई, तब तो हम नीचे गिर जाएंगे, मर ही जाएंगे, फिर ये खा जाएगा, अब हमारी मृत्यु निश्चित हो रही है। कहा चिंता मत करो, हम तुम हमारी गोद में सिर रख करके सो जाओ और सुनो, जब एक नींद तुम सो लोगे फिर हम तुमको जगाएंगे, फिर हमको भी नींद आएगी। कहा ठीक है, आपस में हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर सो लेते हैं। तो भालू के गोद में सिर रख करके राजा का लड़का जयपाल सो गया और भालू ने उसके हाथ में अपना हाथ फंसा लिया, निश्चिंत होकर के सो गया, जैसे छोटा बच्चा माँ की उंगली को अपने हाथ में ऐसे पकड़ करके सो जाता है। छोटे बच्चे को नींद नहीं आती, जब उसके ऊपर कोई थपकी देता है तब उसको नींद आती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में आश्वासन हो जाता है कि कोई है, और जैसे ही थपकी बंद किया वैसे जाग जाता है, उसको लगता है कि मैं अकेला हो गया, डरने लगता है। तो ये आश्वासन बहुत बड़ी चीज़ होता है कि कोई है। तो जयपाल सो गया, एक नींद उसकी जब पूरी हुई तो भालू ने उठाया कि भाई अब हमको नींद आ रही है, अब तुम जगो, तो वो अपनी डाली पकड़ करके बैठ गया, भालू सोने लगा। तो हुआ क्या था कि जब जयपाल सो रहा था तब बाघ ने भालू से बातचीत की। बाघ ने भालू से कहा कि अरे भालू, ये क्या कर रहे हो, इसको धक्का दो नीचे, वो नीचे गिरेगा, तो मैं तो ताज़ा खून पीता हूँ और तो ताज़ा मांस खाता हूँ, उसके बाद थोड़ा खा के मैं चला जाऊँगा, बाकी तो तुम्हारा ही है, तुम भी खा के अपना तृप्त हो जाना, और हम लोग जंगल के हैं, हम लोग एक जैसे हैं, पशु हैं, ये मनुष्य है, और मनुष्यों का भरोसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पशु तो फिर भी भरोसे लायक होता है, मनुष्य तो क्या करेगा कुछ पता नहीं, इसलिए ये अभी तो तुम्हारे साथ मित्रता किए हुए हैं, लेकिन देख लेना आगे चलकर तुमसे घात कर देगा, हम तो चले जाएंगे, इसलिए तुम इसका धक्का मारो। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, जो शरणागत है उसकी रक्षा करना ही धर्म होता है, मैं शरणागत को खतरे में नहीं डालूंगा। भालू ने तो उनको नहीं धक्का मारा। जब भालू सो गया और राजा का बेटा जग गया, तब फिर बाघ ने वही बात कही कि जयपाल, इसको धक्का मार दो नीचे, इसको फाड़ के हम खा लेंगे, हमारी प्यास भूख बुझ जाएगी, हम चले जाएंगे और सवेरे तुम भी उतर के अपने राज्य में चले जाना, और विश्वासों नहीं कर्तव्य है नकी नाम श्रृंगी नाम तथा, ये जो नाखून और सिंह जिनके होती हैं पशु, उनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, तुम्हारा शास्त्र भी यही कहता है, तुम क्या समझ रहे हो, ये दिन में शिकार करके पेट भर के खाया हुआ है भालू, मैं तो कई दिन से भूखा हूँ, ये तुमको अभी नहीं मार रहा है, बड़ा धार्मिक अपने आप को दिखा रहा है, ये अभी पेट भरा है इसका, कल सवेरे जब इसको फिर से भूख लगेगी तब तक तुमको सुरक्षित अपने पास रखेगा, और जब भूख लगेगी उस समय खाएगा, तो तुम बचने वाले नहीं हो। तो जयपाल को ये बात समझ में आ गई कि ये तो अच्छा है, कम से कम दो पाटों के बीच में मैं गिरा हूँ, एक तो ख़त्म हो, फिर एक को और किसी रास्ते से हम निकाल देंगे, एक युक्ति से पहले एक भालू को धक्का मार दूँ तो गिर करके मर जाएगा, इसके द्वारा मार दिया जाएगा, फिर ये अकेला बचेगा, फिर कोई युक्ति और निकल जाएगी। तो उसने धक्का मार दिया, जयपाल ने भालू को धक्का मार दिया, भालू गिरा, लेकिन भालू को तो अभ्यास रहता है, पेड़ पर ही सोते हैं, तो
तो गिरते समय तुरंत उसने दूसरे डाली पकड़ ली, लटक गया। ओ, ये विश्वासघात, मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता है। कोई बात नहीं, गया। और कोई कोई कहते हैं कि उसके कान में उसने पेशाब कर दिया, तो भालू के कान में पेशाब कर देने के कारण उसकी मति माने पागलपन आ गया और उसने चार अक्षर कहे, सा से मीरा, सा से मीरा। अब यही चार शब्द उसको याद हो गए, बाकी सब भूल गया। और सवेरा हुआ तो बाग भी चला गया कि चलो कहीं और शिकार करें, इसमें क्या रखा है। और भालू तो गुस्सा था ही, वो भी अपना उतर करके चला गया। राजा का लड़का भी धीरे धीरे उतरा और वहीं वन में भटकने लगा। इधर राजा नंद के यहाँ वो घोड़ा जो भागा था वो अकेला आ गया। अकेला घोड़ा आने से और सेना भी लौट के आ गई कि राजा बिछुड़ गए जयपाल, तो उनकी खोज शुरू हुई। खोजते खोजते जंगल में भटकता मिल गया, उसको लेके आए, लेकिन वो पागल हो गया था। केवल चार ही शब्द बोलता था, किसी के कुछ पूछना, सा से मीरा, सा से मीरा, सा से मीरा। बड़ी दवाई हुई, बड़े बड़े वैद आए, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। राजा बड़ा दुखी हो गया। अंत में बच्चे के प्रेम में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई मेरा बेटा ऐसे ऐसे पागल हो गया है, जो कोई इसको ठीक करेगा आधा राज्य उसको हम देंगे। तो बहुत से लोग आने लगे। इधर शारदानंद जो देश से बाहर निकाल दिया गया था उसको भी दया आई, कि एक ही बेटा था इसका, वही उत्तराधिकारी बनने वाला था, अगर इसका सहाय नहीं किया गया तो फिर इनका बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा। तो उसने जिस घर में वो रुके थे उस घर में के लोगों से कहा कि ऐसा करो कि एक मियाना माने पालकी बनाओ जो बंद रहती है चारों ओर से, और हमको अपनी बहू घोषित करो कि हमारी बहू है, क्योंकि हमको राजा देखेगा तो हमको तो निकाल चुका है, कहीं मृत्युदंड ना दे दे, लेकिन हमारे मन में उसके लिए यही है। अपकारिष यह साधु स साधु रीति उच्च, जिस राजा ने अपमानित करके मंत्री पद से ना हटा करके बल्कि देश निकाला दे दिया, उस राजा को संकट में पड़ा हुआ देख करके शारदानंद द्रवित हो गए और उसको ठीक करने के लिए चलने के तैयारी किया। ये अपकारिष यह साधु, वो साधु, ये भारत की संस्कृति है। तो गए पालकी में बैठ करके, चारों तरफ से पर्दा करके, और लोगों ने कहा हमारी बहू है, नई नई आई है, ये आपके बेटे को ठीक कर सकती है। तो पालकी रख दी गई, बेटे को बुलाया गया, उन्होंने अपने बच्ची की आवाज़ में, स्त्री की आवाज़ में पतली आवाज़ करके बोलना शुरू किया, बोलो क्या समस्या है। उसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे ने बताया, वो तो कुछ बोलते ही नहीं था, बोला सा से मीरा, सा से मीरा। जैसे ही उसने कहा तो शारदानंद रूपी वधू ने एक श्लोक कहा, सद्भाव प्रतिपन्ना नाम वंचने का विदग्धता अंक मारुहिय सुक्ता नाम हंतुम हंतु किन्नाम पौरुषम। जो सद्भाव से प्रतिपन्न है, आपके ऊपर जो भरोसा करता है, उसको ठगने में कौन सी चतुराई है। जो आप पे भरोसा करता है आप उसको कभी भी ठग सकते हो। इसी तरह से अंकम आरुहिय सुक्ता नाम, जो आपकी गोद में रख करके सोया है उसको मार देने में कौन सी वीरता है। वीरता तो वो है कि सामने से कोई लड़ रहा हो तब मारे आप, आपके गोद में सिर के रखा है आप उसको कुछ भी कर दो, गला दबा दो, कोई क्या करे। तो अंक मारुही सुक्ता नाम, अंक में आरुही हो करके, अंक में आरूढ़ हो करके जो सो रहा था उसको मारने का विचार इसने किया था, तो उसको याद आ गया, क्या मेरी गोद में भालू सिर रख करके सोया था, बाघ के कहने पर मैंने धक्का मारा था। इतना याद आ गया उसको, माने अब उसकी स्मृति वापस आ रही। तो बोला से मीरा, माने सक कुछ याद आ गया, एक अक्षर छूट गए। जब से मीरा कहने लगा, से मीरा कहने लगा, तब दूसरा श्लोक उसने सुनाया शारदानंद वधू ने, से तुम गत्वा समुद्रस्य
गंगा सागर संगमम ब्रह्म हत्या प्रमुच्येत मित्रद्रोही न मुच्यते। सेतुबंध रामेश्वर एक तीर्थ है सनातन धर्मियों का, वैसे तो हजारों तीर्थ हैं हमारे यहाँ, लेकिन सेतुबंध सबसे बड़ा तीर्थ है शास्त्रों के अनुसार। जहाँ पर सेतु बनाया रामेश्वर के पास सेतुबंध, वो सेतुबंध तीर्थ है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। ब्रह्म हत्या का पाप भी वहाँ पर पहुँचने और स्नान करने से समाप्त हो जाता है। वही बात शास्त्र की शारदानंद कह रहे हैं कि सेतुम गत्वा समुद्रस्य अथवा गंगा सागर संगमम, गंगा सागर के संगम में जाकर के स्नान करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। वहाँ पर जाकर के कोई स्नान करे तो ब्रह्म हत्या प्रमुच्येत, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े दोष भी बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मित्रद्रोही न मुच्यते। जो मित्र से द्रोह करता है, जिससे आपकी मित्रता हो गई उससे आप द्रोह करें, वो सेतुबंध रामेश्वर में और गंगा सागर के संगम में नहाने से भी पाप नष्ट नहीं होता। कहा हाँ, भालू ने हमसे मित्रता तो कर ली थी, मैंने उसका द्रोह किया, उसको फिर उतना याद आया तो से भी छोड़ दिया। अब बोलने लगा मीरा मीरा मीरा, तब उसने तीसरा श्लोक सुनाया मी से, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकं यान्ति यावदाभूत संप्लवम्। मित्र से द्रोह करने वाला, कृतघ्न माने अपने प्रति किए गए उपकार को भूल जाने वाला, और विश्वासघाती जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं उनके प्रति घात करने वाला। हमने विश्वास करके अपने कमरे की चाबी दे दी, कमरे में घुसने दिया किसी को, और उसने वहाँ जा करके यूँ देखा और नहीं भगवती का मुकुटी मार दी, ये विश्वासघात है। तो ये जो विश्वासघात है ये करने वाला, ये तीन मित्रद्रोही कृतघ्न और विश्वासघाती, ये तीनों नरक में जाते हैं। कब तक के लिए? जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक के लिए नरक में यातना भोगते हैं। तो इसमें कृतघ्न शब्द आया, कृतघ्न की निष्कृति नहीं है, इनको भोगना ही पड़ता है। बाकी सबको गिरते हुए को आप हाथ दे के बचा सकते हैं, इन जिसने हाथ में तेल लगा के रखा हो, बढ़िया चिकना तेल लगा के रखा हो, और जब वो गिरने लगे और आप उसका हाथ पकड़ें तब क्या होगा? वो सरक जाएगा। तो ऐसे ही बचाने वालों के द्वारा बचाए नहीं जा सकते ये लोग, ये गिरेंगे ही, और जब तक प्रलय नहीं होता तब तक के लिए गिरेंगे, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। तो जब उसने ये सुनाया तो मैं भी छूट गया, अब केवल रा 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 बोलने लगा। तब उन्होंने चौथा श्लोक पढ़ा, राजेंद्र निज पुत्रस्य यदि कल्याणमिच्छसि देहि दानं द्विजातिभ्यो देवताराधनं कुरु। राजन, अगर अपने पुत्र का आप कल्याण चाहते हैं, आप ब्राह्मणों का भोजन कराइए और देवताओं की पूजा यज्ञ करिए, इसी से अब कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये जब सुना तो राजा ने अपना ये सब कर लिया, उसके परिणाम स्वरूप वो रा रा भी कहना छोड़ दिया, सच से मेरा छूट गया। अब उसको सब याद आ गया, और याद आ गया तो सब उसने बताया, बेटा क्या हुआ था तुम्हारे जंगल में, कैसे क्या हुआ था, कैसे पागल हो गए, तो बताया पूरी घटना कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो राजा ने कहा कि भाई ये पालकी जाएगी नहीं, ये जो आपकी बहू है इसने कैसे जान लिया कि ये जंगल में गया था, फिर वहाँ पे मित्रता हुई, फिर मित्रद्रोह हुआ, कृतघ्नता हुई, ये सब बातें इसने जानी कैसे? इसलिए पहले ये बताओ कि ये कौन है। तो जब तलवार निकाल लिया तब फिर वो शारदानंद बाहर निकला, कहा कि आपको अगर मेरा वध करना है तो कर दीजिए, मैं शारदानंद हूँ, बहू नहीं हूँ इनकी। कहा तुमने जाना कैसे? कहा भानुमत्यास तिलम यथा, जैसे भानुमती का तिल मैंने जान लिया था बिना देखे, वैसे ही जंगल में इस बेटे ने क्या किया ये भी मैंने भगवती की कृपा से जान लिया। तब उनके चरणों में राजा पड़े कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके ऊपर दोष का आरोप किया, आप भगवती की कृपा से न देखी हुई वस्तु को भी जान लेने वाले विद्वान हैं,
आपकी हम शरण में हैं। जैसे ही ये पाप खत्म हुआ बेटा ठीक हो गया, क्योंकि बेटा पागल हुआ था बाप के पाप से, क्योंकि बाप ने एक निर्दोष पर दोष आरोपित कर दिया और उसको अपमानित कर दिया, तो बेटा भी भटकने लगा। तो ये होता है, इसलिए कृतघ्नः नास्ति निष्कृतिः। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में घूमने के लिए निकले, तो वहाँ उन्होंने देखा कि सियार और दूसरे मांसाहारी जंतु साहब जो लाशें पड़ी थी उनको खा रहे थे। अधिकतर लाशें तो केवल पिंजरा रह गई थी, हड्डियाँ केवल बची हुई थी, और वो देख रहे थे कि चारों तरफ एक लाश पड़ी है, उसके चारों तरफ की लाशें खाई जा चुकी हैं, पिंजरा हो चुकी हैं, लेकिन वो नहीं खाई गई, जैसी की तैसी। फिर और आगे चले वैसे कई दिखाई दी। कहा ये क्या बात है कि कुछ लाशें तो पूरी तरह से मांस विहीन हो चुकी हैं और कुछ में मुँह तक नहीं लगाया है पशुओं ने, क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण हंसे, बोले कुछ पशुओं से ही पूछ लेते हैं। तो फिर कुछ सियार रोके गए, उनसे यारों से पूछा गया कि भाई ये बताओ, ये बीच बीच में कुछ मनुष्यों के शव हैं जिनको बिल्कुल छुआ तक नहीं गया है और बाकी को एक एक मांस नोच नोच के खा लिया गया है, केवल हड्डी बची हुई है। तो सियारों ने बताया कि महाराज हम मांसाहारी हैं लेकिन कृतघ्नों का मांस हम भी नहीं खाते, ये कृतघ्न था इसलिए हमने इसके मांस को छुआ तक नहीं है। तो कृतघ्न जो है वो नहीं, आप कृतघ्न मत बनिए। कृतम उपकारम हन्ति इति कृतघ्नः, कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञः। कृतघ्न और कृतज्ञ में यही है कि अपने प्रति किए गए उपकार का जो स्मरण रखे वो कृतज्ञ, जो भूल जाए वो कृतघ्न। अथवा कृतम उपकारम स्वल्पम प्रासंगिकम अपि बहुतया जानाति इति कृतज्ञः। कह रहे हैं केवल किए गए उपकार का उतने ही अर्थ में याद रखने वाला भी उतना बढ़िया उपकारी नहीं है। प्रासंगिक माने अचानक जरूरत पड़ जाने पर किया गया छोटा सा उपकार भी जो बहुत ज़्यादा करके माने वो कृतज्ञ है। किसी ने अचानक छोटा सा कोई आपके प्रति उपकार कर दिया, वो भी प्रासंगिक कर दिया। आप चले जा रहे हैं, बूढ़े हैं, बैग उठा रहे हैं, अब उठाने में आपको दिक्कत हो रही है, एक जवान ने देखा, उसने कहा दादाजी लाइए, उठा के आपको रख दिया जहाँ रखना था। अब ये प्रासंगिक है, छोटा सा उपकार है, लेकिन उसके लिए भी वो जो दादा है इसने बड़ा उपकार किया, हे भगवान इसका अच्छा करना, हे भगवान इसका कोई काम रुका हुआ हो तो उसको पूरा, अब वो पूरे रास्ते मनाता जाएगा, उसके रोए रोए से आशीर्वाद उस बच्चे के लिए निकलेगा, और वो बच्चा जिस काम के लिए निकला है उसको पूरा होना ही होना है, ना होने का कोई सवाल नहीं। और जिसने बूढ़ा बैठा है सीट पर, सब सीटें भर गई हैं, बड़े बड़े जवान बैठे हैं मूछ वाले, हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो बूढ़े को ए बूढ़े हटो ऐसा कह करके गिरा दिया, उसका सामान फेंक दिया और उस जगह खुद बैठ गया, उसका काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो कृतज्ञ संस्कृति है हमारी। लिखा गया है ब्रह्मग्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृति विहिता राजन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। महाभारत के शांति पर्व में ब्रह्म हत्या करने वाला हो, सुरापाई हो, चोर हो, व्रतों को नियमों को तोड़ने वाला हो, और भी दूसरे तरह के पाप किए हों, सबका उद्धार हो सकता है, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्न के प्रति निष्कृति नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों को कृतघ्न नहीं बनना चाहिए, कृतघ्न नहीं रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। कुतः कृतघ्नस्य यशः, कुतः स्थानम, कुतः सुखम, अश्रद्धेय कृतघ्नो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। जाने कितने ऐसे वाक्य शास्त्रों में हम लोगों को दिखाई देते हैं जिसमें कृतघ्नता को महापाप बताया गया है। तो अब समय अधिक हो रहा है इसलिए यहीं पे विराम लेते हैं। सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च, कृतज्ञ और दृढ़ सौहृद
जिसका हो उसके घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है, कमाना नहीं पड़ता योगी जी, अपने आप धनवान व्यक्ति हो जाता है, लोग आके देने लग जाते हैं, बैठे बैठाए व्यक्ति को नहीं। कई लोगों को आप देखेंगे कि जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, कई लोगों को आप देखेंगे कि जो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं उनके पास धन आ रहा है, लेकिन कई लोगों को आप देखेंगे जो धन के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं लेकिन उनके पास धन की कोई कमी नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे गुण विकसित कर लिए, उन गुणों के कारण उनके पास धन संपत्ति भरी हुई है। तो इसलिए कृतज्ञ बनना है, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर।